हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमा। मैं फिर से लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। मैं आज आप लोगों के साथ स्किन केयर शेयर करूंगा और शेयर करूंगा मेरे एक पार्सल का अनबॉक्सिंग। तो पहले मैं आज आप लोगों को कह देती हूँ, मैं जो स्किन केयर कर रही हूँ होम रेमेडीज, एक ऑयल में मेरे फेस पर लगा रही हूँ। तो कैसे बनाया था तो आप लोगों के साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर करूँगा। तो मैं पहले मेरे स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो सुबह सुबह मैंने चाय भी खा लिया और मेरे घर का जो कार्यक्रम था थोड़ा बहुत कर लिया था, तो मैं फेस अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो मेरे फेस पर कुछ नहीं लगा हुआ है। अब मेरे लिप पर थोड़ा लिपस्टिक और एक बिंदी लगाया था तो फेस क्लीन था। तो मैं आप लोगों के सामने ही मेरे फेस पर लगा रही हूँ मेरे जो घर का बनाया हुआ ऑयल, वही ऑयल। तो ठंड के मौसम में आप लोगों का देखेंगे स्किन एकदम ड्राई हो जाता है और थोड़ा थोड़ा डेड स्किन होता है, वो भी निकल आती है। तो हम लोगों को ऐसे कुछ लगाना है जो ऑयली होता है तो स्किन में अच्छा रहेगा ठंड की मौसम में। तो वही मैं एक ऑयल बनाया था तो वही ऑयल को मैं लगा रही हूँ। तो कैसे बनाया था ऑयल आपको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे जो बेंगोली चैनल है मैं वहाँ पर मैं पहले ही शेयर कर लिया था तो मेरे पास थोड़ा ही बहुत था तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं पहले मेरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है और इस ऑयल को आप लोग जो मेकअप करते हैं तो मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं इस ऑयल को लगा कर। रात में सोने से पहले लगा कर आप लोग सो सकते हैं और सुबह अच्छे से फेस क्लीन करके इस ऑयल को लगा सकते हैं। और इस ऑयल मैंने बनाया था हेयर के लिए, तो इस ऑयल को आप हेयर पर, बॉडी पर, सब जगह पर आप लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे ऑयल मैंने घर पर बनाया हुआ था। तो आप लोग तो जानना चाहते हैं ऐसा कैसा ऑयल है जो मैंने बनाया है, तो घर पर आप लोग बना सकते हैं खुद पर। कोई भी ऐसी एनिलेस नहीं चाहिए, दो चीज से आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। तो मेरे फेस पर अच्छे से लगा लिया है, देखो अच्छा हो गया है। मेरे फेस इतना ड्राई हो रही थी तो मैं सुबह सुबह इसी ऑयल को ही लगाते हूँ, रात में भी सोने से पहले लगाती हूँ और मेरे हेयर पर भी इसी ऑयल को ही मैं लगाती हूँ। मेरा जो ब्लॉग था बेंगोली चैनल पर, वहाँ पर मैंने हेयर पर लगा के मसाज कैसे करते हैं हेयर पर लगा कर, तो कैसे स्ट्रेट हेयर को अच्छे से क्लीन करके ऑयल मसाजिंग करना चाहिए हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल कम होने के लिए, और हमारा जो हेयर पर डैंड्रफ होता है स्ट्रेट करने के बाद वही कम करने के लिए कैसे कैसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो मेरे बेंगोली चैनल पर मैंने सब कुछ शेयर किया था, तो उसी का ब्लॉग थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। आप लोग तो जानते हैं YouTube अब बहुत रूल रेगुलेशन आ गया है YouTube पर। मैं किसी और की माने मेरे चैनल है, मैं उसी का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा वो और एक चैनल बेंगोली चैनल था मेरा हिंदी चैनल, तो मैं किसी और का भी नहीं दे सकती लिंक और मेरा भी नहीं दे सकती, तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पहले समझती नहीं थी। तो मेरे बेंगोली चैनल पर स्टेक आया है तो अब मैं ऐसे कोई भी गलती मत नहीं करूंगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो कह रही हूँ झुमा दे पर बेंगोली चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो स्किन केयर, बॉडी केयर, फेस केयर, हेयर केयर तो सब कुछ है मेरे ब्लॉग में, तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके जिसको भी बेंगोली समझ में आती है, और जिसको भी नहीं आती भी आप लोग वीडियो देख कर थोड़ा बहुत समझ जाते हैं बात। एक बात है तो बात समझ में नहीं आता तो वीडियो देखकर भी अच्छा नहीं लगता है। जो भी है मेरे हिंदी चैनल में थोड़ा बहुत शेयर करूंगा अभी। तो मेरा जो पार्सल आया था मैं इसी को कर लिया है अनबॉक्सिंग। तो मीशो से आया था मेरे एक कुर्ती, मुझे बहुत पसंद आया था कुर्ती इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो मेरे साइज से थोड़ा बहुत बड़ा साइज दिया था क्योंकि वो जिस माने मैं कमेंट सेक्शन में देखा माने रिव्यूज दिया था वो लोग, तो सभी लोग माने अपना साइज ऑर्डर किया था तो सभी लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है बट साइज माने टाइट बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे साइज से थोड़ा बड़ा साइज दे देती हूँ तो अच्छा होगा क्योंकि फिर से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा साइज के लिए। तो मैंने तो बड़ा साइज ऑर्डर किया है बट फिटिंग तो कर लूंगी बट लॉन्ग बहुत है, लॉन्ग के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखती हूँ, रखती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ। कुर्ती बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा था, ग्लेज था कुर्ती, देखिए आप लोग बहुत ही पसंद आया कुर्ती। मैंने इसीलिए बड़ा साइज ऑर्डर किया था बॉडी के लिए, बट बॉडी तो ठीक है, सिली भी कर लेते हूँ, कर लूंगी, टाइट कर लूंगी।
देखती हूँ, रखती हूँ या क्या रिटर्न कर देती हूँ। तो मैंने जो ऑयल घर पर बनाया हुआ था उसी ऑयल को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घर पर है एलोवेरा गस, तो मैं अच्छे से एलोवेरा को क्लीन कर लिया है। एक एलोवेरा लिया था, बड़ा एलोवेरा। तो आप लोग एलोवेरा घर का ले तो अच्छा होगा, प्योर एलोवेरा जेल निकाल के लेना तो अच्छा होता है स्किन के लिए, बॉडी के लिए। और आप लोग मंगा भी सकते हैं, एलोवेरा जेल भी दे सकते हैं, जो मार्केट में आते हैं एलोवेरा जेल पैकेट में, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उसी जेल को भी ले सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा से जेल निकाल लिया है, तो मैंने मार्केट से, सॉरी, मैंने फ्लिपकार्ट से कोकोनट ऑयल मंगाया था 1 लीटर। तो अच्छा है कोकोनट ऑयल, मैंने एक कोकोनट ऑयल और एलोवेरा एक साथ मिक्स करके मैं गैस पर बैठा दिया है। तो अच्छे से मैं अब एक गैस को पकाऊंगी गैस पर इसी ऑयल को। तो पकते पकते देखो एलोवेरा एकदम ब्राउन हो गया है। तो अब हो गया है, मैं थोड़ा टाइम ठंड हो जाने के लिए रख दूंगी, बाद में इसी ऑयल को निकाल लूंगी। जो एलोवेरा है उसे फेंक दूंगी, क्योंकि उसी एलोवेरा आप लोगों की हेयर पर बॉडी पर लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने हमारे घर पर जो पनीर की पनीर बनाता है जो गमछा है ना, उसी गमछे से मैं अच्छे से ऑयल को निकाल लूंगी। और मैं बाटर की जो कटोरी है उसी में ले रही हूँ, क्योंकि वही था अच्छा हमारे घर पर, मैं गर्म पानी से अच्छे से धो लिया था तो कटोरी को। तो देखिए आप लोग ऑयल कितना अच्छे से हो गया है। तो ऑयल की कलर भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये प्योर एलोवेरा ऑयल थी। और हाँ, कोकोनट ऑयल तो हमारे बॉडी फेस हेयर के लिए अच्छा ही होता है, और एलोवेरा भी अच्छे होते हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है, तो स्मेल भी बहुत ही अच्छा ही था। तो मैंने थोड़ा बहुत ऑयल ले लिया था कटोरी में, क्योंकि मैं अब लगाऊंगी हेयर पर। तो हेयर पर मैंने कैसे लगाया, कैसे मसाज किया, मैंने सब कुछ बेंगली ब्लॉग में ही शेयर किया था। तो मैं शॉर्ट्स के लिए रख दिया था मिनी ब्लॉग के लिए, तो वो था मेरे पास, इसीलिए आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर पा रही हूँ शॉर्ट्स जैसे दिख रही है। इसलिए तो मैंने हेयर पर अच्छे से लगाकर मसाज कर लिया था। तो आप लोग इसी ऑयल को मेकअप रिमूव के लिए और बॉडी फेस हेयर सब में अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि एलोवेरा भी हमारे बॉडी और फेस हेयर के लिए अच्छा होता है, और कोकोनट भी। तो इसीलिए आप लोग लगा सकते हैं। तो मैंने अच्छे से मेरे हेयर पर मसाज करके लगाया था। तो आप लोग मेरे बेंगली ब्लॉग जो देखेंगे वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से लगाया था, मसाज किया था। तो बहुत लोगों को मसाज करना नहीं आता है, तो हेयर पर हम लोग ऑयल मसाज करेंगे तो हमारे हेयर ग्रोथ होता है, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर फॉल बंद होता है। तो आप लोग देख लेना मैंने कैसे मसाज किया है। और आप लोग जब हेयर पर ऑयल लगाएंगे तो आपका हेयर एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि क्लीन नहीं होगा तो आपके जो बालों पे डेड स्किन होता है वो हेयर वो हमारे स्कैल्प पर लग जाता है, तो हेयर फॉल होने का चांस होता है। तो इसीलिए तो जो भी है, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो मेरे बंगाली चैनल में भी जाकर आप लोग ब्लॉग देख लेना। तो आती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।